गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये मेरा लिक्विड फर्टिलाइजर है। देख रहे हो आप, ये सरसों की खली है। इसे करीब मेरे 2 महीने हो गए हैं, मैं ऐसे मिक्स कर करके इसे डालती रहती हूँ प्लांट्स में। तो प्लांट्स में ज़्यादा सब्जियाँ फल पाने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो आराम से। बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है ये सरसों की खली, और इसमें गुड़ मिला हुआ है। इसमें मैं मिक्स कर करके डाल देती हूँ। जब मेरी इच्छा होती है तो मैं निकाल के डाल देती हूँ, जैसे देखा मौसम सही है। इसमें करीब काफ़ी मैं डाल चुकी हूँ निकाल निकाल के। आप देख रहे हो इसका कलर कैसा हो गया, बिल्कुल काला हो गया। रखे रखे इतना ये रखा रहेगा, पुराना होता रहेगा उतनी इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। देखो अब पूरी ये बकेट में इसमें डाल दूंगी ऐसे, ये मेरी सब्जियां हैं। तो सब्जियों में तो वैसे ही मैं ऑर्गेनिक चीज़ें ही डालती हूँ, केमिकल तो बिल्कुल छूती भी नहीं हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ लिक्विड फर्टिलाइजर बनाती कैसी हूँ मैं। वो तो मेरा यूज़ हो गया, जो मेरा बना हुआ था रेडी सारा ही ख़त्म हो गया। तो इसमें क्या क्या मिलाती हूँ मैं, आप ये देखो, ये है नीम खली, ठीक है, ये नीम खली है। ये 2 मुट्ठी में ये डाल देती हूँ, वाटर बहुत हो रहा है इसमें। और ये शायद ये होगा, क्योंकि मेरा ये मुश्किल से 10 लीटर का भी नहीं होगा, मुझे लग रहा 5 या 6 लीटर का होगा ये डस्टबिन। तो इसमें मैं इतनी गुड़ डालूंगी, ये 50 ग्राम 60 ग्राम होगी। ये थोड़ा पानी कम कर दूँ, पानी ज़्यादा हो रहा है। और इसमें मैं ये 2 मिट्टी तो मैंने ये डाल दी, ठीक है, और गुड़ डाल दिया 50 ग्राम के लगभग। इसमें मैं ये एक, मुझे लग रहा होगा कि ये 100 ग्राम हो गई होगी खली सरसों की, जो पहले डाली थी वो नीम खली ये है। देखो आप, ये नीम खली है, जैविक खाद होती है ये, इससे फंगस की प्रॉब्लम भी नहीं होती प्लांट्स में, खाद भी बहुत अच्छी होती है। आप ये ले लो, 50 रुपये किलो 40 रुपये किलो मिल जाती है। तो ये डालती हूँ मैं अब इसमें, अब ये डालने के बाद में इसे 15-18-10 दिन रखे रहने दूंगी। और सिर्फ इसमें ही नहीं बनाऊंगी मैं, एक बकेट और है उसमें भी बनाऊंगी मैं। ये 2-3 बकेट हो जाती हैं तो मैं उसमें यूज़ करती रहती हूँ। ये ख़त्म हो जाता है तब उसके बाद दूसरा यूज़ करने लगती हूँ, ये इसका ख़त्म हो जाता है। अब इसमें मैं एक मग ये लूँगी, जब ये कम्प्लीट हो जाएगा, आपने देखा ही था, एक मग ये लूँगी, 4 मग वो लूँगी। वो तो मेरा उसमें बहुत पानी मिला हुआ था इसलिए इतना चलता रहा, इसलिए मैंने ज़्यादा ज़्यादा डाला। तो अब आप समझ गए होगे मैं ये कैसे बनाती हूँ, है ना। थोड़ा चलो गुड़ और डाल देती हूँ। तो ये जो सरसों की खली होती है, इससे ढेर सारे आपके प्लांट्स में फ्लावरिंग, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी और न्यू शूट्स स्टार्ट हो जाएंगे, न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आप ये ट्राई करके देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। मैं तो ज़्यादातर प्लांट्स में यही यूज़ करती रहती हूँ, सरसों फंगस को भी बचाती है, सरसों है नीम खली है ये, और गुड़ जो है वो इसमें जो कीटाणु होंगे या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके खाना हो जाएगा। ये प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है ये सरसों की खली, इसे आप आराम से यूज़ करो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। फ्रूट्स भी अच्छा आएगा, फल भी अच्छा आएगा, फूल भी अच्छा आएगा, और जिससे आपके जो सब्जियों वगैरह के जो फूल होते हैं वो झड़ने की प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी दूर हो जाएगी आपकी, वो भी स्ट्रांग हो जाएंगी, नरिशमेंट अच्छा मिलता है इससे सब्जियों में इस, और उसके फलों में बहुत अच्छी सी शाइनिंग भी आएगी इससे सरसों की खली से। तो मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ, और इसे शेड में रखना है, ये तो अभी ऊपर रखा हुआ तो मैं यहाँ रखे नीचे ही लेके जाऊँगी और इसे ढक दूंगी, और सुबह शाम दोनों टाइम इसे एंटी क्लॉक बाई या क्लॉक बाई घुमाऊँगी इसे किसी डंडे से। अभी डंडा ऊपर है नहीं, दिख नहीं रहा है, दूर है,
मैं चला के दिखा देती। अब इसमें नीम फली है, कोई बात नहीं, ये मैं दूसरा वाला बनाऊंगी उसमें डाल दूंगी। तो आप इस चीज़ को ट्राई करो अच्छे से, और अपने फ्रूट्स में, अपने सब्जियों में ग्रोथ अच्छी देखो, ढेरों फूल आएंगे, बहुत फूल आते हैं इससे डालने से। मगर ये जितनी ये पुरानी होती रहेगी, आप बना करके रख लो, स्टोर करके रख लो, जितनी पुरानी होती रहेगी उतनी इसमें इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती रहेगी। ओके फ्रेंड्स, आपको मेरी ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फ्रेंड्स।